हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फीड ऑफ फिजिकल एजुकेशन चैनल। आज का क्वेश्चन है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी श्वसन तंत्र से रिलेटेड। जैसे कि फिजिकल एजुकेशन में श्वसन तंत्र, जो ब्रीदिंग होता है, रेस्पिरेशन होता है, श्वसन होता है, इसी का मेन भूमिका होता है। चाहे आप एक्सरसाइज करें, खेल करें या कोई भी एक्टिविटी करें, उसमें वायवीय श्वसन, अवायवीय श्वसन, एरोबिक क्रियाएं, अनएरोबिक क्रियाओं का भूमिका अति महत्वपूर्ण होता है। तो यहाँ से क्वेश्चंस 100% आते हैं। जैसे कि बीपीएससी 2023 टीजीटी का एग्जाम आपका जल्द से जल्द होगा, परिणाम आ ही चुका है बिहार या स्टेट का, तो आप सभी जान ही गए होंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको टाइम नहीं है, डेली बेसिस पे आप मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए। सभी टॉपिक, सभी चैप्टर वाइज सभी टॉपिक को मैं डेली बेसिस पे पेपर के पहले क्लियर करा दूंगी। ये आपके लिए बीपीएससी 2023 टीजीटी के लिए ही नहीं है, अदरवाइज फिजिकल एजुकेशन कंपटीशन एग्जाम सभी के लिए है। चाहे कोई भी स्टेट का हो, टीजीटी पीजीटी हो, यूजीसी नेट हो, केवीएस एनवीएस हो, यूपीएलटी ग्रेड हो, यूपी टीजीटी पीजीटी हो, सभी के लिए है। चाहे ईएमआरएस का हो, तो जो भी कैंडिडेट फिजिकल एजुकेशन के किसी भी कंपटीशन का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो मेरे चैनल पे डेली बेसिस पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। और थ्योरी सेशन पढ़ने के लिए चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और सभी थ्योरी को टॉपिक वाइज एक एक करके आप देख सकते हैं और अपना सेल्फ स्टडी भी कीजिए और मेरे साथ एमसीक्यू के माध्यम से एक्सप्लेन करते हुए सभी टॉपिक को मैं पढ़ा रही हूँ। और मेरे साथ बने रहिए, आपका सिलेक्शन 100% होगा। तो दोस्तों, समय नष्ट न करते हुए चलते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, डायथर्मी एक तरीका है, इज डायथर्मी ए मेथड? तो डायथर्मी क्या है? एक निष्क्रिय वार्मिंग अप की एक टेक्निक है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट होगा, यानी कि पेशी वार्मिंग अप, निष्क्रिय वार्मिंग अप का एक तरीका है। डायथर्मी जो है एक विद्युत चिकित्सा विधि है। इसके अंतर्गत विद्युत धारा प्रवाह के माध्यम से शरीर के अंगों में ऊष्मा उत्पन्न की जाती है और यह तीन प्रकार का होता है, लॉन्ग वेव डायथर्मी, शॉर्ट वेव डायथर्मी एंड माइक्रोवेव डायथर्मी, जिसके बारे में रिहेबिलिटेशन प्रोसेस यानी कि पुनर्वास वाले वीडियो में, स्पोर्ट्स मेडिसिन वाले चैप्टर में मैंने डिटेल में पढ़ाया हुआ है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मांसपेशी प्राथमिक श्वसन मांसपेशी नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग मसल्स इज नॉट ए प्राइमरी रेस्पिरेटरी मसल्स? तो इसमें से कौन सी मांसपेशी प्राथमिक श्वसन मांसपेशी नहीं है दोस्तों? तो यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे है कौन। तो यहाँ पे है डायफ्राम है, ट्रांसवर्स थोरेसिस है, लेवेटर्स, कस्टोरम है, तीनों है रेस्पिरेटरी में प्राथमिक भूमिका अदा करता है। बट इरेक्टर स्पाइन नहीं करता है, इरेक्टर स्पाइन नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहां पे राइट हो जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेफड़ों को ढकने वाले आवरण को क्या कहते हैं? व्हाट इज द कवर कवरिंग द लंग्स कॉल्ड? यानी कि फेफड़ों को ढकने वाली आवरण को कहते हैं प्लूरा। क्या कहते हैं? प्लूरा। प्लूरा जो है दोस्तों, यह एक झिल्ली है जो फेफड़ों को चारों तरफ से ढकी हुई है, जिसके अंदर प्लूरा नामक द्रव रहता है जो इसकी सुरक्षा करता है। तो इसके अंदर सीरम यानी प्लूरल द्रव भरा रहता है और फेफड़े की बाहरी भाग को चारों तरफ से लपेटी रहती है, जो एक बंद अंतर्वलित कोश के रूप में व्यवस्थित होती है, तो याद रखिएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक राहत कार्यकर्ता द्वारा एक वयस्क को CPR छाती पर दबाव किस दर पर प्रति मिनट दिया जाता है? CPR टू एन एडल्ट बाई ए रिसीवर वर्कर एट व्हाट रेट और चेस्ट कंप्रेशंस गिवन
पर मिनट्स। तो दोस्तों जो CPR होता है इसका फुल फॉर्म होता है कार्डियोपल्मोनरी रिससीटेशन, जो श्वास रोगियों के लिए कृत्रिम वायु संचालन और रक्त संचालन स्थापित करने के लिए दिया जाता है, प्रयोग किया जाता है। जैसे कि उसके चेस्ट पर आप हथेलियों से थपथपाएंगे फटाफट, तो ये कितने पर मिनट होना चाहिए, कितने स्पीड से होना चाहिए, ये यहाँ पे पूछा है। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 100, यानी कि कम से कम 100 पर मिनट, प्रति मिनट 100 बार स्पीड की तरह से आप उसको थपथपाएंगे, यानी कि CPR देंगे, यानी कि CPR छाती पर दबाव 100 से 120 बार प्रति मिनट की दर से दिया जाता है, और प्रत्येक छाती का जो प्रत्येक 30 छाती के संपीड़न के बाद 2 बचाव श्वास दे। तो इसी को CPR क्या है, जिसके ऑक्सीजन नहीं ले पा रहा है, एकाएक रुक गया, तो उसको हम छाती पर थपथपा करके ऑक्सीजन, यानी उसको कुछ देर तक जीवित रखते हैं डॉक्टर के पास ले आने से पहले। नेक्स्ट है बलकृत महत्वपूर्ण क्षमता, जो 1 सेकेंड में निःश्वसित की जा सकती है, कहलाती है। यानी द फोर्स वाइटल कैपेसिटी दैट कैन बी एक्सहेलेड इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड। तो बलकृत महत्वपूर्ण क्षमता, जो 1 सेकेंड में निःश्वसित, यानी कि बलपूर्वक जो श्वास लिया जा रहा है उसकी क्षमता, जो 1 सेकेंड में निःश्वसित किया जा रहा है उसे, यानी एक्सहेलेशन किया जा रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे, तो उसे हम कहेंगे बलपूर्वक निःश्वसन आयतन। क्या कहेंगे, बलपूर्वक निःश्वसन आयतन, बलपूर्वक निःश्वसन आयतन, यानी कि फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम। क्या करेंगे, कहेंगे फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम। एंड नेक्स्ट है वसा, यानी पल्मिटिक एसिड के लिए श्वसन विनिमय अनुपात, यानी रेस्पायरेटरी एक्सचेंज रेशियो है। तो व्हाट इज द रेस्पायरेटरी एक्सचेंज रेशियो फॉर फैट, तो इसका सही आंसर होगा 0.70। कितना होगा, 0.70, यानी कि श्वसन विनिमय अनुपात, यानी रेस्पायरेटरी एक्सचेंज रेटियो, RER जिसे कहते हैं शॉर्ट में, यानी उपापचय यानी मेटाबॉलिज्म और ऑक्सीजन में उपयोग किए जाने वाले कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा के बीच का अनुपात है। क्या है, उपापचय जो मेटाबॉलिज्म है और ऑक्सीजन है, उसके उपयोग किए जाने वाले कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा के बीच का जो अनुपात है उसी को कहते हैं RER, यानी कि रेस्पायरेटरी एक्सचेंज रेशियो। इस अनुपात को मापने का उपयोग श्वसन अनुपात का अनुमान लगाने के लिए किया जाता है। श्वसन विनिमय अनुपात यानी कि RER अप्रत्यक्ष रूप से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए मांसपेशियों की ऑक्सीडेटिव क्षमता को दर्शाता है। गतिहीनता, व्यायाम और शारीरिक रूप से सक्रिय जीवन शैली इसे संशोधित करते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है श्वसन तंत्र में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है। Where does the exchange of gases take place in the respiratory system? तो श्वसन तंत्र में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है, तो एल्वियोली में, एल्वियोलाई में आपका गैसों का आदान प्रदान होता है, जिसे डिफ्यूजन प्रोसेस भी कहा जाता है। यहीं पे एल्वियोलाई में बहुत सारे रक्त वाहिनियाँ होती हैं, जब हृदय की दाएं निलय से पल्मोनरी धमनी अशुद्ध रक्त लेकर के जाता है फेफड़ों में, और वहाँ एल्वियोलाई में जो है अशुद्ध रक्त से कार्बन डाइऑक्साइड एल्वियोलाई में चला जाता है और फेफड़ों के माध्यम से फिर बाहर निकल जाता है, और जो एल्वियोलाई में ऑक्सीजन होता है वो
रक्त में आ जाता है, रक्त का हीमोग्लोबिन जो है आरबीसी में जो हीमोग्लोबिन पाया जाता है वो ले लेता है और रक्त शुद्ध हो जाता है। इस प्रकार शुद्ध रक्त पल्मोनरी शिराओं के माध्यम से बाएं अलिंद में जाता है, फिर बाएं अलिंद से बाएं निलय में जाता है, फिर बाएं निलय से एरोटिक वाल्व के रास्ते महाधमनी में जाता है, फिर महाधमनी से समस्त महाधमनी की शाखाओं के द्वारा समस्त शरीर में भेज दिया जाता है। तो इस प्रकार श्वसन तंत्र में गैसों का आदान प्रदान होता है एल्वेलाई में। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेफड़ों की क्षमता को साधारणतः मापा जाता है। फेफड़ों की क्षमता को किससे मापा जाता है दोस्तों? हाउ इज लंग्स कैपेसिटी यूजली मेजर्ड? तो स्पायरोमीटर द्वारा, ठीक है, बाय स्पायरोमीटर। एंड नेक्स्ट है, विश्राम परिस्थितियों में प्रत्येक श्वास के साथ फेफड़ों से लगभग कितनी हवा अंदर और बाहर जाती है? यानी कि जब हम विश्राम कर रहे हैं, यानी कि रेस्ट के समय जब हम श्वास लेते हैं फेफड़ों के अंदर, उस समय प्रत्येक श्वास के साथ फेफड़ों से लगभग कितनी हवा अंदर और बाहर जाती है? तो वो होती है 500 ml, ठीक है। यानी कि अप्रोक्सीमेटली हाउ मच एयर मूव्स इन एंड आउट ऑफ द लंग्स विद ईच ब्रीथ अंडर रेस्टिंग कंडीशंस। तो कितना होगा? 500 ml रेस्टिंग कंडीशन में इन और आउट लंग्स के अंदर कितना होगा एयर का? 500 ml। याद रखिएगा, ऐसे आपका एक्सरसाइज कर रहे हैं क्रिया के समय 3000 ml तक हो जाएगा, याद रखिएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, उंगलियों का जोड़ों को कहा जाता है, हाउ आर द ज्वाइंट्स ऑफ फिंगर्स कॉल्ड? तो फिंगर्स के ज्वाइंट को क्या कहा जाता है? तो फिंगर्स के ज्वाइंट को हिंज ज्वाइंट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? हिंज ज्वाइंट, क्योंकि इसमें एक तल में गति होती है। जैसे दरवाजा एक तरफ घूमता है उसी तरह यह भी एक तरफ घूमता है। हिंज ज्वाइंट जिसे हम कब्जा संधि भी कहते हैं। और दोस्तों यहाँ पे जो इसमें आपका कोहनी का जोड़ यानी एल्बो ज्वाइंट, घुटने का जोड़ यानी नी ज्वाइंट, उंगलियों का जोड़ फिंगर्स ज्वाइंट एंड ये सब जोड़ आपके हिंज ज्वाइंट के अंतर्गत आता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेफड़ों के वायु कोश किस ऊतक के बने होते हैं? ऑफ विच टिश्यू आर द एल्वेलाई ऑफ द लंग्स मेड? यानी कि जो फेफड़े को वायु कोश एल्वेलाइज होते हैं किस ऊतक यानी कि टिश्यू के बने होते हैं? तो वो होता है इपिथेलियल टिश्यू यानी कि उपकला ऊतक का बना होता है, याद रखिएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वास लेते समय हमारे फेफड़ों के अंदर का दबाव क्या होगा? द प्रेशर इन साइड आउट लंग्स वाइल ब्रीदिंग। जब हम श्वास लेंगे यानी कि वाइल ब्रीदिंग, उस समय फेफड़ों के अंदर का दबाव यानी प्रेशर इन साइड अवर लंग्स क्या होगा? तो दोस्तों हवा का ये सिद्धांत है कि वो हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर जाता है। तो श्वास जब हम ले रहे हैं तो हवा बाहर से अंदर की ओर जा रहा है, तो हवा जाता कैसे है? उच्च दाब से निम्न दाब की ओर। तो जब अंदर बाहर से अंदर की ओर जा रहा है, या इसका मतलब कि बाहर उच्च दाब है अंदर निम्न दाब है, यानी कि फेफड़ों के अंदर का दाब क्या है? घटता है। क्या होता है? घटता है। तो यहां पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, घटता है, याद रखिएगा। डिक्रीज होता है, इंक्रीज नहीं होता। जब हम श्वास छोड़ेंगे उस समय फेफड़ों के अंदर का जो दाब होगा वो बढ़ेगा यानी इंक्रीज होगा। तो याद रखिएगा, जब श्वास लेंगे तो फेफड़े का अंदर का दाब घटता है यानी कि डिक्रीज होता है। जब श्वास छोड़ेंगे उस टाइम फेफड़े का अंदर का जो दाब होता है वो बढ़ता है यानी कि इंक्रीज होता है। शायद आप समझ गए होंगे, यानी कि सांस लेने की प्रक्रिया के दौरान फेफड़े की मात्रा डायफ्राम और इंटरकॉस्टल मांसपेशियां जो पसली
पिंजरे से जुड़ी रहती है के संकुचन के परिणाम स्वरूप क्या होती है, फैलती है। इस प्रकार वक्ष का गुहा यानी कि जो फेफड़े का आयतन होता है वो बढ़ जाता है। अब फेफड़े का आयतन बढ़ेगा तो उसके अंदर वायु का दाब क्या होगा, कम होगा। और बाहर वायु का दाब ज्यादा है तो बाहर से उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर हवा आने लगेगा, यानी हम श्वास लेंगे, उसमें फेफड़े के अंदर का जो दबाव होगा घटेगा। वॉल्यूम इस वृद्धि के कारण वायल के नियम के सिद्धांतों के आधार पर दबाव कम हो जाता है, याद रखिएगा। और उसी कंडीशन में जब श्वास छोड़ेंगे तो इंटरकॉस्टल मसल्स फैलेगी और डायफ्राम जो हो पेशी डायफ्राम ऊपर की ओर जाएगा और फेफड़ों के मध्य जो आयतन होगा वो घट जाएगा। और इस कंडीशन में वायु दाब भी ज़्यादा हो जाएगा और वह बाहर की ओर निकलने लगेगा। तो जब श्वास लेंगे तो अंदर का दाब घटेगा और श्वास छोड़ेंगे तो अंदर का दाब बढ़ेगा, याद रखिएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, एरोबिक व्यायाम मांसपेशियों को अधिक देता है। एरोबिक एक्सरसाइज गिवेज मोर मसल्स। तो एरोबिक एक्सरसाइज मतलब ऑक्सीजन के साथ, अनएरोबिक मतलब ऑक्सीजन के बिना। जो स्ट्रेंज वाली चीज़ें होती हैं कम समय के हाई इंटेंसिटी की होती हैं उस वह अनएरोबिक क्रियाएं होती हैं। जो एंड्योरेंस वाले ज़्यादा समय की क्रियाएं होती हैं, रिपीटेशन वाले होते हैं जिसमें वॉल्यूम ज़्यादा यानी कि समय ज़्यादा और इंटेंसिटी कम होती है, वैसे कार्य एरोबिक एक्सरसाइज के अंतर्गत आता है। तो एरोबिक एक्सरसाइज में ऑक्सीजन के साथ किया जाता है। तो एरोबिक एक्सरसाइज में क्या मांसपेशियों को अधिक मिलता है, तो ऑक्सीजन। क्या मिलता है, ऑक्सीजन। यानी एरोबिक व्यायाम मांसपेशियों को अधिक ऑक्सीजन देता है। शरीर की मांसपेशियों के बड़े समूहों में जैसे कि टांगों, जांघों, हिप्स आदि की मांसपेशियां शामिल हैं। एरोबिक्स को निम्न स्तर से मध्यम स्तर की इंटेंसिटी पर किया जाता है। हाई इंटेंसिटी हमेशा आपका स्ट्रेंथ यानी अनएरोबिक होगा, याद रखिएगा। लो एंड मीडियम इंटेंसिटी आपका इंटेंसिटी जो तीव्रता होती है वो एरोबिक में हो जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाएं अलिंद एवं दाएं निलय के मध्य स्थित कपाट कहलाता है। तो दोस्तों, द वाल्व लोकेटेड बिटवीन द राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल इज कॉल्ड। तो दाएं अलिंद दाएं निलय के जो बीच कपाट होता है, दरवाजा होता है, उसे हम कहते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व। क्या कहते हैं, ट्राइकस्पिड वाल्व। हमारे हृदय यानी हार्ट के अंदर चार वाल्व होते हैं, चार दरवाजे होते हैं, जिसमें से दाएं अलिंद दाएं निलय के बीच यानी कि राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच ट्राइकस्पिड वाल्व होता है, तीन दरवाजों वाला। एंड दूसरा दरवाजा होता है बाएं अलिंद बाएं निलय यानी कि लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच होता है बाइकस्पिड वाल्व, जिसे मिट्रल वाल्व भी कहते हैं। तो इससे तीसरा होता है आपका पल्मोनरी वाल्व। दो सेमिलुनर वाल्व होता है, एक पल्मोनरी वाल्व होता है जो दाएं निलय से लेकर के पल्मोनरी वाल्व के रास्ते जाता है, पल्मोनरी धमनी लेकर के अशुद्ध रक्त। एक होता है एरोटिक वाल्व जो एरोटिक वाल्व के रास्ते महाधमनी में जाता है। चार वाल्व होते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिक से अधिक श्वास बाहर निकालने के उपरांत फेफड़ों में बची हुई वायु की मात्रा को कहते हैं। द अमाउंट ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स आफ्टर मैक्सिमम एक्सहेलेशन इज कॉल्ड। यानी अधिक से अधिक श्वास बाहर निकालने यानी एक्सहेलेशन के उपरांत फेफड़ों में बची हुई वायु की मात्रा को क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं रेसिड्यूअल वॉल्यूम। रेसिड्यूअल वॉल्यूम क्या कहते हैं, रेसिड्यूअल वॉल्यूम। अब टाइडल वॉल्यूम किसे कहते हैं दोस्तों, टाइडल वॉल्यूम कहते हैं एक अंतःश्वसन या बाह्य श्वसन में ली गई वायु। यानी जो हम सामान्य ब्रीदिंग यानी कि ब्रीदिंग में दो चीज़ें होती हैं, इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन, श्वास अंदर लेते हैं बाहर छोड़ते हैं, इसी को ब्रीदिंग कहते हैं। तो सामान्य श्वसन में जो हम ले रहे हैं श्वास को अंदर छोड़ रहे हैं बाहर ले रहे हैं, इसी को टाइडल वॉल्यूम कहते हैं। यानी कि वायु की वह मात्रा जो प्रत्येक सामान्य शांत श्वसन के द्वारा फेफड़ों में भरी और निकाली जाती है, यानी कि वायु की वह मात्रा जो प्रत्येक श्वसन क्रिया में अंदर और बाहर ले जाई जाती है, उसी को कहते हैं टाइडल वॉल्यूम यानी कि प्राण वायु।
फिर होता है आपका कॉम्प्लीमेंट्री एयर, पूरक वायु, यानी सामान्य श्वास के बाद यदि वायु और जोर से श्वास लेकर फेफड़ों में ली जाए, यानी सामान्य श्वास कर लिए, टाइडल वॉल्यूम हो गया, उसके बाद और जोर से श्वास को हम बाहर अंदर लेते हैं तो उसे हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एयर, पूरक वायु। और जब सप्लीमेंट्री एयर क्या होता है, गहरे श्वास द्वारा वायु को बाहर निकालना, एक्सहेलेशन करना गहरे श्वास द्वारा, उसको सप्लीमेंट्री एयर कहते हैं, जिसकी मात्रा 1100 ml होता है, और कॉम्प्लीमेंट्री 3000 ml होता है, टाइडल वॉल्यूम 500 ml होता है मात्रा। और फिर पूरे बल के साथ एक्सपायरेशन, वायु श्वसन के उपरांत फेफड़ों में जो बची हुई वायु होता है उसे अवशिष्ट वायु या रेसिडुअल एयर कहते हैं। फिर इन वाइटल कैपेसिटी क्या होता है, यानी कि अधिकतम अंतः श्वसन के बाद वायु की सबसे बड़ी मात्रा जो श्वास द्वारा छोड़ी जा सकती है उसी को कहते हैं वाइटल कैपेसिटी, ज्वारीय क्षमता, यानी ये फेफड़े की वह क्षमता होती है जो एक बार पूर्ण रूप से अंतः श्वसन यानी कि इंस्पायरेशन करने के बाद पूरे बल के साथ जो हवा वाह्य श्वसन द्वारा बाहर निकाली जाती है उसी की मात्रा को वाइटल कैपेसिटी कहते हैं। वाइटल कैपेसिटी निकालने का सूत्र होता है दोस्तों टाइडल वॉल्यूम प्लस कॉम्प्लीमेंट्री एयर प्लस सप्लीमेंट्री एयर, पूरा मिला के कितना हो जाता है, टाइडल वॉल्यूम 500 ml, कॉम्प्लीमेंट्री 3000 ml और सप्लीमेंट्री एयर 1100 ml, कुल 4600 ml होता है। इसलिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि वाइटल कैपेसिटी की मात्रा कुल कितना होता है, तो 4600 ml। अब वो एक होता है टोटल लंग कैपेसिटी, तो टोटल लंग कैपेसिटी यानी कि फेफड़ों की कुल क्षमता, वायु की वह कुल मात्रा जो फेफड़ों में समा सकती है उसे टोटल लंग कैपेसिटी, फेफड़ों की कुल क्षमता कहते हैं। टोटल लंग कैपेसिटी ज्ञात करने का सूत्र है वाइटल कैपेसिटी प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम, यानी कि जो बचा हुआ वायु है श्वास लेने के बाद। तो वाइटल कैपेसिटी कितना है, 4600 ml प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम होता है आपका 1200 ml, तो 4600 ml प्लस 1200 ml कितना हो जाएगा, 558 ml, यानी कि फेफड़ों की कुल वायु क्षमता कितनी है, टोटल लंग कैपेसिटी 58 ml, वाइटल कैपेसिटी कितना है, 4600 ml, याद रखिएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कि किसी व्यक्ति का फुफ्फुसीय संवातन लिंग के निरपेक्ष पर निर्भर करता है, यानी कि पल्मोनरी वेंटिलेशन ऑफ ए पर्सन डिपेंड्स ऑन रिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर। क्या है महत्वपूर्ण क्षमता, यानी कि वाइटल कैपेसिटी, ज्वारीय परिणाम, टाइडल वॉल्यूम, हृदय गति, हार्ट रेट, श्वास गति, रेस्पिरेटरी रेट, आघात परिणाम, स्ट्रोक वॉल्यूम, इसमें से कौन होगा किसी व्यक्ति का फुफ्फुसी संवातन लिंग के निरपेक्ष पर निर्भर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है, 2 और 4, यानी कि ज्वारीय परिणाम यानी कि टाइडल वॉल्यूम एंड श्वास गति पर निर्भर करता है। टाइडल वॉल्यूम यानी कितना हम श्वास को अंदर और बाहर ले रहे हैं और श्वास गति कितना स्पीड से ले रहे हैं, इस पर निर्भर करता है आपका फेफड़ों की क्षमता यानी कि पल्मोनरी वेंटिलेशन, पल्मोनरी वेंटिलेशन होता क्या है, जिसे हम मिनट वेंटिलेशन भी कहते हैं, यानी कि एक मिनट में अंतः श्वसन और वाह्य श्वसन में वायु की मात्रा, ठीक है। और एक सामान्य स्वस्थ व्यक्ति में 5 से 8 लीटर प्रति मिनट होता है, कठिन अभ्यास के दौरान 130 से 180 लीटर प्रति मिनट हो जाता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस प्रक्रिया को जिसमें पसलियां यानी रिब्स एंड डायफ्राम की पेशियां सिकुड़ती हैं और डायफ्राम चपटा होकर वक्ष गुहा का आयतन अधिक होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं। अभी जस्ट पिछले क्वेश्चन में हमने पढ़ा था कि जब वक्ष गुहा का आयतन अधिक है, तो आयतन अधिक है तो दाब वहां पे घटा हुआ है, इसका मतलब बाहर से वायु आएगा अंदर, यानी कि निःश्वसन होगा, अंतःश्वसन होगा, क्या होगा, इंस्पायरेशन होगा, यानी कि द प्रोसेस इन विच द रिब्स एंड डायफ्राम मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड द डायफ्राम बिकम फ्लैटेंड एंड द वॉल्यूम ऑफ द
थोरेसिस कैविटी इंक्रीज इज कॉल्ड, तो इंक्रीज हो रहा है जो थोरेसिक कैविटी है वच गुहा है इंक्रीज हो रहा है यानी बढ़ रहा है, आयतन अधिक होगा तो दाब क्या होगा घटेगा, क्या होगा घटेगा। तो वायु का सिद्धांत ही है कि उच्च वायु से निम्न वायु की तरफ, उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ जाता है, तो जब अंदर फेफड़ों का आयतन बढ़ा रहेगा तो वहां पे दाब भी घटा रहेगा, तो बाहर से उच्च दाब है तो उच्च दाब से वायु निम्न दाब की ओर आएगा, यानी कि बाहर से वायु फेफड़ों की तरफ आएगा, यानी कि हम क्या कर रहे हैं श्वास ले रहे हैं यानी कि इंस्पायरेशन कर रहे हैं, इनहेलेशन श्वास अंदर लेना यानी कि इनहेलेशन यानी इंस्पायरेशन, श्वास बाहर लेना यानी कि एक्सहेलेशन यानी कि एक्सपायरेशन जिसे हम निःश्वसन कहते हैं, और जो सब श्वास लेते हैं तो उसको इनहेलेशन यानी इंस्पायरेशन अंतःश्वसन कहेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, इनहेलेशन क्या होगा इनहेलेशन। याद रखिएगा अगर गुहा का आयतन कम रहता यानी कि आयतन कम रहता मतलब कि दाब वहाँ पे ज़्यादा होता तो वायु अंदर से बाहर की ओर जाती यानी कि एक्सहेलेशन होता, ठीक है। आई होप कि आप समझ गए होंगे। तो यानी कि इंस्पायरेशन है पसलियां और डायफ्राम की पेशियां सिकुड़ती हैं और डायफ्राम चपटा होकर वश गुहा के आयतन को बढ़ा देता है, और जब एक्सहेलेशन होता है तो डायफ्राम की पेशियां जो है उसी फैलती हैं। नेक्स्ट है दोस्तों VO2 मैक्स के मापन की इकाई क्या है, VO2 max, what is the unit of measurement of VO2 max? इसका सही जवाब है मिलीमीटर प्रति केजी प्रति मिनट, यानी कि मिलीमीटर पर केजी पर मिनट इसका मापन की इकाई होता है। VO2 max का मतलब होता है अधिकतम ऑक्सीजन ग्रहण करने की क्षमता, अधिकतम ऑक्सीजन ग्रहण करने की क्षमता, यानी कि अभ्यास के दौरान जब व्यक्ति अपने मैक्सिमम लोड के स्तर को प्राप्त कर लेता है उस दौरान एक मिनट में फेफड़ों द्वारा ग्रहित की गई ऑक्सीजन की मात्रा को VO2 max कहते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यायाम के दौरान प्राणवायु का आयतन कितना होता है, तो अभी हमने इसके पहले एक क्वेश्चन देखा था कि विश्राम की परिस्थिति में प्रत्येक श्वास के साथ फेफड़ों में लगभग कितना हवा अंदर और बाहर जाता है, तो 500 ml जाता है, कितना हवा जाता है 500 ml। लेकिन यहाँ पे क्या है वायु का आयतन पूछा है, व्यायाम के दौरान प्राणवायु का आयतन कितना होता है, तो व्यायाम के दौरान पूछा है व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ वाइटल एयर ड्यूरिंग एक्सरसाइज, तो ड्यूरिंग एक्सरसाइज यानी कि व्यायाम के समय होगा आपका, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 3000 ml प्रति मिनट, 3000 ml प्रति मिनट, ठीक है 3000 ml प्रति मिनट। और विश्रामावस्था में जैसे कि सामान्य अवस्था में इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन के दौरान वायु के आदान प्रदान की मात्रा को प्राणवायु कहते हैं, अब विश्रामावस्था में प्राणवायु 600 से 700 ml प्रति मिनट मिलीलीटर प्रति मिनट, व्यायाम अवस्था में 3000 ml प्रति मिनट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साधारण वायु में ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना होता है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन ऑर्डिनरी एयर, तो 21% होता है, कितना होता है 21%। साधारण वायु में ऑक्सीजन का परसेंटेज 21% होता है, एंड नाइट्रोजन होता है 78% और कार्बन डाइऑक्साइड होता है 0.03%, जबकि ये सभी जितना मात्रा में है वायुमंडल में उतना ही अंदर जाते हैं इंस्पायरेशन में, और जब एक्सपायरेशन होता है बाहर कितना निकलते हैं, ऑक्सीजन जाता है 21% निकलता है 16-17%।
और नाइट्रोजन पूरा का पूरा कोई यूज नहीं होता, अंदर जितना जाता है 78% ही बाहर निकलता है, और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% जाता है और निकलता है 4.4%, यानी इतना ज़्यादा निकलता है, यानी कि अंदर जो भी कार्बन डाइऑक्साइड है उस सबको लेकर के बाहर निकलता है। तो दोस्तों आज के सेशन में बस इतना ही, अगले सेशन में और क्वेश्चंस होंगे, और इसी तरह मैं MCQ के माध्यम से सभी चैप्टर को, सभी टॉपिक को डिटेल में बताते हुए आपको आगे बढ़ूंगी, और डेली बेसिस पर आप मेरे साथ प्रैक्टिस करते रहिए। और फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे न्यू वीडियो का अपडेट आप तक पहुंचता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।